हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सूरज पटेल एजुकेशन में आप सभी दोस्तों का फिर से एक बार तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों, मुंबई यूनिवर्सिटी आईडीएल में जो जो स्टूडेंट एडमिशन लेना चाहते थे लेकिन एडमिशन ओपन नहीं हुआ था काफ़ी स्ट्रीम का, जिसके वजह से स्टूडेंट को प्रॉब्लम आ रहा था। जैसे कि जो 12 स्टैंडर्ड के स्टूडेंट हैं जिन्होंने 12 पास आउट कर लिया, 13 में एडमिशन ले रहे हैं, तो कॉलेज में एडमिशन हो चुका है, लेकिन काफ़ी ऐसे स्टूडेंट हैं जो FY बीकॉम या FY BA मुंबई यूनिवर्सिटी आइडियल से करना चाहते हैं, तो उनके लिए जो एडमिशन डेट था ओपन ही नहीं हुआ था। जैसे कि TY बीकॉम के स्टूडेंट का एग्ज़ाम हो चुका था, रिजल्ट आ चुका था, हर एक चीज़ हो चुका था, उनको मुंबई यूनिवर्सिटी आइडियल में MCOM पार्ट वन या MA पार्ट वन लेना था, तो उनका भी एडमिशन चालू नहीं हुआ था। तो दोस्तों, आज मैं बताने वाला हूँ किन किन कोर्स का एडमिशन चालू हुआ है और बहुत अच्छे टाइम पे एडमिशन चालू हुआ है। पहले तो आप सभी लोगों को हैप्पी दिवाली इन एडवांस, और दोस्तों पूरा डिटेल वीडियो बता रहा हूँ, तो अगर आप वीडियो को एंड तक देखना, कोई भी क्वेरी रहेगा तो वीडियो में कमेंट करना, मैं उस कमेंट का रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा। और वीडियो अच्छा लग रहा तो मैं वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना, बिकॉज इसी तरीके से हर अपडेट एजुकेशन रिलेटेड आपको मिलते रहेंगे मेरे इस चैनल पे। दोस्तों, जैसे कि आप स्क्रीन पे इस वक्त देख रहे हो कि मुंबई यूनिवर्सिटी का एक नोटिस है। दोस्तों, मुंबई यूनिवर्सिटी ने अपने नोटिस में लिखा हुआ है कि जुलाई सेशन के जितने भी स्टूडेंट एडमिशन लेना चाहते हैं ऑनलाइन एडमिशन, ठीक है। अब कोर्स कौन कौन से प्रोग्राम है, FY BA, FY BCOM, FY BSc, IT, FY कंप्यूटर साइंस, CBSE सेमिस्टर पैटर्न, ठीक है, ये जितने भी स्टूडेंट इसमें एडमिशन लेना चाहते हैं उनका एडमिशन चालू हो चुका है। 27 अक्टूबर से लेके 20 नवंबर तक का आपको एडमिशन करने का फुल ऑन मौका है। शायद होगा कि आगे भी चल के इस एडमिशन डेट को एक्सटेंड किया जाए। क्यों ऐसा बोल रहा हूँ वो मैं अभी आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा, क्योंकि आप जैसे जैसे नीचे जाओगे आपको सब चीज़ वो पता चलेगा। देन दोस्तों आता है पार्ट वन। मैंने जैसे कहा कि MCOM पार्ट वन के स्टूडेंट का एडमिशन नहीं था, MA पार्ट वन का नहीं था, तो देखिए पहला है MA पार्ट वन के जितने भी स्टूडेंट है, हिस्ट्री के, सोशोलॉजी के, इकोनॉमिक के, पॉलिटिकल साइंस, मैथमेटिक्स, हिंदी, इंग्लिश, ठीक है, जितने भी स्टूडेंट इनका एडमिशन चालू हो गया है। खासकर इस समय MA पार्ट वन के लिए एक न्यू सब्जेक्ट लाया है, ज्योग्राफी, ठीक है, न्यू प्रोग्राम इंट्रोड्यूस किया गया है इसके लिए, तो इनका भी एडमिशन चालू है। साथ ही साथ MCOM पार्ट वन अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट के जितने भी स्टूडेंट हैं या पार्ट वन MSc IT के स्टूडेंट हैं, इनका भी एडमिशन डेट चालू कर दिया है। साथ में MA पार्ट वन एजुकेशन इन सभी स्टूडेंट का जो डेट है 27 अक्टूबर से लेके 20 नवंबर तक का है, आप एडमिशन चालू कर सकते हो। आपका एडमिशन डेट आज से ही, अभी से ही चालू होता है। देन दोस्तों, उसके बाद जो है जिन्हें एक्सटेंशन मिला है, मतलब कि इनका एडमिशन चालू हो चुका था, मुंबई यूनिवर्सिटी ने इन्हें एक्सटेंशन दिया, और एक्सटेंशन के रिलेटेड मैंने ऑलरेडी और एक वीडियो बनाया है, लेकिन इस वीडियो में भी डिटेल वीडियो मैंने कहा है तो पूरा बता देता हूँ कि क्या क्या इन्फॉर्मेशन है। SY BA, SY BCOM, SY BSc, IT सेम थर्ड सेम फोर CBSE पैटर्न, TY BA, TY BCOM एनुअल पैटर्न, याद रखना एनुअल पैटर्न बोल रहा हूँ, TY BSc, IT नॉन CBSE सेमिस्टर पैटर्न, और पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन फाइनेंस मैनेजमेंट सेम 1 सेम 2, इनके एडमिशन डेट को एक्सटेंड कर दिया गया है 20 नवंबर तक। देन दोस्तों, इसके नेक्स्ट है पार्ट टू। देखिए दोस्तों, इधर जो एक्सटेंशन किया, इधर पार्ट वन या ऊपर वाले में FY BCOM की बात नहीं हुई थी, तो ये नया आया हुआ था। देन दोस्तों, उसके बाद है MA पार्ट टू, हिस्ट्री, सोशोलॉजी, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल साइंस, मराठी, हिंदी, इंग्लिश, ठीक है, फिर MA पार्ट टू एजुकेशन, MSc IT सेम थर्ड सेम फोर मैथमेटिक्स, देन MCA CBSE पैटर्न, इन सभी के डेट को 20 नवंबर तक का एक्सटेंड कर दिया गया है। और इधर कुछ इन्फॉर्मेशन दिख रहा है MMS, MBA, इनके भी मुंबई यूनिवर्सिटी ने न्यू कोर्स प्रोग्राम अनाउंस किया हुआ है अपने में, तो इसके रिलेटेड जैसे ही इन्फॉर्मेशन आएगा दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूंगा। साथ ही साथ हर एक इन्फॉर्मेशन उनके इस वेबसाइट पे आने वाला है, ठीक है, जो भी है आपका PRN नंबर, हर एक चीज़ आपको रजिस्ट्रेशन करना है न्यू रजिस्ट्रेशन का, जिसके रिलेटेड मैंने ऑलरेडी पहले ही वीडियो बनाया है,
तो आपको कुछ भी है आप उधर इन्फॉर्मेशन मेरे इस चैनल पे ले सकते हो। लेकिन अगर आपको कोई भी टेक्निकल एरर आ रहा है ऑनलाइन एडमिशन के लिए, तो इधर आपको नंबर दिया गया है, आप इस पे कांटेक्ट कर सकते हो। या तो कोई भी क्वेरी है कि आप कांटेक्ट नहीं मेल करना चाहते हो, तो ईमेल आईडी भी दिया गया है, आप ईमेल कर सकते हो। तो आई होप दोस्तों कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। फिर से मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए दोस्तों बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद जय भारत दोस्तों।